अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है। और बेटा, आज हमारा जो सिस्टम हमने डिस्कस करना वो है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में कितने बेटा पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं आज हम। इसमें होते हैं यू किडनी, दो होती हैं हमारे पास, यूरिटर वो भी दो हैं, ब्लैडर वो एक है, और यूरिथ्रा। तो सबसे पहले अब हम किडनी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो किडनी है ये बीन शेप ऑर्गन है, लोबिया की शक्ल का एक ऑर्गन है बेटा। ये हमारे जिस्म में जोड़े की शक्ल में पाया जाता है, एक राइट साइड पे, दूसरा लेफ्ट साइड पे। और अब हम इसके साइज के बारे में डिस्कस करते हैं। 10 से 13 सेंटीमीटर ये लेंथ में होता है, 6 सेंटीमीटर बेटा ये ब्रेथ में है, और 2.5 to 4 सेंटीमीटर बेटा इसकी थिकनेस होती है। उसके बाद बेटा इसके वेट के बारे में बात करें तो वो 140 ग्राम होता है। फिर पोजीशन की बात की जाए तो बेटा पोजीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में बेटा 33 वर्टिब्राज होते हैं। वो जो वर्टिब्रा होते हैं 33, उनमें बेटा फर्स्ट 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद बेटा 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, जिनमें बेटा ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं हमारे रिब केज भी बना रहे होते हैं पोस्टीरियरली। और फिर बेटा इसमें जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ से किडनी की पोजिशन स्टार्ट होती है, और कहाँ तक होती है, 3rd लंबर वर्टिब्रा तक। फिर आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो बेटा यहाँ मैंने डायग्राम बनाई हुई है यूरिनरी सिस्टम की मेन पॉइंट्स की, तो वो देखते हैं। ये बेटा किडनी है, और ये यूरिटर है, और ये ब्लैडर है। तो बेटा अब हम पहले किडनी के बारे में बात करते हैं। किडनी में बेटा आउटर एक कवरिंग होती है जिसका नाम कैप्सूल है। ये कैप्सूल जो है बेटा थिन फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है, स्किन सी मेम्ब्रेन बना देता है, थिन कवरिंग कोट हम जिसे कह सकते हैं। उसके बाद बेटा इसके जो आगे कैप्सूल के बाद जो सेकेंड इसका पोर्शन है वो है बेटा कॉर्टेक्स है, जो बेटा डीप पर्पल पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि एक साइड पे कॉर्टेक्स होता है, दूसरी साइड पे मेडुलरी पार्ट होता है। उसके बाद बेटा फिर हम बात करते हैं हाइलम की। हाइलम बेटा ये वो जगह है जहाँ से ब्लड वेसल्स यूरिटर का जो है वो रास्ता होता है, और यहीं से इंफीरियर वेना कैवा और एब्डोमिनल एओर्टा, रेनल आर्टरी और रेनल वेन की सूरत में किडनी में एंटर होती हैं, और यहीं से एग्जिस्ट भी होती हैं। फिर बेटा उसके बाद ये यूरिटर है। यूरिटर हमारे जिस्म में दो होते हैं, दोनों किडनीज के साथ ये लगे हुए होते हैं। इनके बेटा जो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट में ये गूस क्विल के बराबर इसके होती हैं इंटरनली। फिर बेटा ये इनका क्या काम होता है बेटा, ये किडनी से जो यूरिन होता है उसे ब्लैडर की तरफ ले के आते हैं, और ये किडनी से निकलते हुए एब्डोमिनल कैविटी में से गुजरते हुए ब्लैडर की तरफ आते हैं। ये दो होती हैं, और इसके अलावा बेटा ये ब्लैडर में पोस्टीरियरली लगी हुई होती हैं। फिर बेटा आगे इसकी यूरिटर जो है, यूरिटर की बेटा तीन लेयर्स होती हैं। तीन लेयर कौन कौन सी होती हैं, जो बेटा आउटर होती है वो फाइबरस लेयर होती है, जो मिडल होती है वो मस्कुलर लेयर होती है, और जो इनर होती है बेटा वो म्यूकस लाइनिंग होती है। फिर बेटा बात करते हैं ब्लैडर की। ब्लैडर जो होता है वो रिजर्वर के तौर पर काम करता है। रिजर्वर से क्या मुराद है कि ये वो जगह है जहाँ पे यूरिन आके रुकता है, यूरिन का ठहराव होता है बेटा, यूरिन के ठहराव होता है। और फिर जब यहाँ पे एक हद तक जब यहाँ पे यूरिन फिल हो जाता है तो फिर बेटा हमें ज़रूरत महसूस होती है कि इसे हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दें। फिर बेटा ब्लैडर जो है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो ब्लैडर है इसकी जो अपर साइड है इसे हम एपिक्स कहते हैं, और जो बेटा यूरिथ्रा से ऊपर वाली इसकी साइड है लोअर साइड ही, किसकी, ब्लैडर की लोअर साइड, लेकिन यूरिथ्रा से ऊपर वाली जो साइड है इसे हम बेस कहते हैं। और इसमें बेटा मजीद इसकी भी लेयर्स हैं, जो आउटर लेयर है वो सीरस कोट होता है, उसके बाद सेकंड मस्कुलर कोट है, बेटा थर्ड है सब मस्कुलर म्यूकस कोट है, और फोर्थ में है म्यूकस लाइनिंग। फिर बेटा आगे बात करते हैं कि यूरिथ्रा के बारे में। ब्लैडर के बाद है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है बेटा वो सर्कुलर मसल फाइबर से कंपोज हुआ हुआ होता है, बना हुआ होता है, जो स्फिंक्टर बनाते हैं यूरिथ्रा के। बेटा स्फिंक्टर जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं कि यहाँ से अब यूरिन निकलना है या नहीं निकलना, तो स्फिंक्टर जो है वो हमारे बॉडी में यूरिथ्रा को कंट्रोल रखते हैं। तो बेटा ये फीमेल और मेल में यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। जो फीमेल में होती हैं, फीमेल्स में यूरिथ्रा जो है वो शॉर्ट 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर, और मेल में बेटा 7 to 9 इंचज़ जो है इसकी लेंथ है। फिर बेटा ये था यूरिनरी सिस्टम में किडनी, यूरिटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं नेफ्रोन की। बेटा ये जो नेफ्रोन है ये हमारे गुर्दों में बेसिक बुनियादी इकाई है,
जिसकी वजह से हमारी जो किडनी है वो वर्क कर रही होती है, यानी हमारे गुर्दों का जो बेसिक काम है वो नेफ्रोन सर अंजाम देते हैं, नेफ्रोन का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। नेफ्रोन बेटा ये हमारे किडनी में मिलियंस में पाया जाता है। तो सबसे पहले बेटा नेफ्रोन के स्ट्रक्चर में इस तरह कप शेप जो शक्ल नज़र आ रही, इसे हम कहते हैं वुमेंस कैप्सूल। बेटा ये वुमेंस कैप्सूल कप शेप है, इसके अंदर कैपिलरीज का एक नेटवर्क पड़ा हुआ है, ये रेड कलर का जो मैंने बनाया हुआ है इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से फिल्ट्रेशन होती है। फिर बेटा आगे क्या है, वुमेंस कैप्सूल के बाद ये ट्यूब्यूल है, गुच्छेनुमा शक्ल में आई हुई होती है, उलझी हुई होती हैं, कुछ स्ट्रेट होती हैं। तो बेटा ये जो उलझी सी है, कन्वोल्यूटेड है, राउंडेड सी बनी हुई हैं, इनका नाम क्या है, जो बेटा वुमेंस कैप्सूल के साथ है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर बेटा उसके बाद जो डिसेंडिंग पॉइंट आता है ट्यूब्यूल्स में, फिर वहाँ से क्या है लूप ऑफ हेनले है, फिर लूप ऑफ हेनले से एक असेंडिंग पॉइंट आता है, फिर ये स्ट्रेट होता है असेंडिंग पॉइंट, फिर बेटा उसके बाद मजीद कन्वोल्यूशन होते कन्वोल्यूटेड होती हैं ट्यूब्यूल, तो उनका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर बेटा यहाँ से जो ट्यूब्यूल हैं, यहाँ से ये ट्यूब्यूल किससे आके मिलती हैं, कलेक्टिंग डक्ट से आके मिलती हैं। ये था नेफ्रोन का स्ट्रक्चर। फिर बेटा बात करते हैं कि नेफ्रोन जो है यहाँ फिल्ट्रेशन होती है। फिर बेटा ये जो नेफ्रोन है ये पैरामिड्स के दरमियान भी पाए जाते हैं, फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो आगे ब्लड वेसल का एक और टॉपिक है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ये जो गुर्दे हैं इनका बेसिक फंक्शन क्या है कि बेटा ये पानी की फिल्ट्रेशन करते हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट्स जो है उनकी मिकदार को जो है बॉडी में एक्स्ट्रा नहीं होने देते, बराबर रखते हैं। तो बेटा फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन फिल्ट्रेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिल्टर नहीं होती, जैसे बेटा प्रोटीन है, प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिल्टर नहीं होते। जब ब्लड फिल्ट्रेशन हो रही होती है तो प्रोटीन के लार्ज पार्टिकल पीछे ही रह जाते हैं फिल्ट्रेशन में, और जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट टाइप जो जिनकी बॉडी में हमें ज़रूरत नहीं होती, एक्सेस अमाउंट में होते हैं, जिन्हें फ़िल्टर करना होता है, वो हमारी बॉडी वो फिल्ट्रेशन में आगे चले जाते हैं। ये बेटा ग्लोमेरुलस एक छलनी टाइप है, तो आज का हमारा टॉपिक यही था। यूरिनरी सिस्टम में हमने पढ़ा, मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा, यूरिनरी सिस्टम में जो है कंसिस्ट ऑफ किडनी, दो होती हैं, यानी एक जोड़ा किडनीज का, एक जोड़ा यूरिटर का, एक अदद ब्लैडर है और एक यूरिथ्रा है। बेटा जो किडनी है यहाँ पे, किडनी जो है गुर्दा जो है हमारा, इसमें बेटा नेफ्रोन पाए जाते हैं जिससे फिल्ट्रेशन होती है। जो यूरिटर है, यूरिटर वो नालियाँ हैं खून की, जो बेटा किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेके जाती हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से गुजरते हुए। ब्लैडर बेटा ब्लैडर वो जगह है जहाँ पे यूरिन आके स्टोर होता है, और यूरिथ्रा वो सुराख है या वो रास्ता है जहाँ से ब्लैडर में स्टोर हुआ यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट यानी खारिज हो जाता है।